आज इंट्राडे में लगेज कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। ट्रेवल सेक्टर में एक बार फिर जोरदार उछाल को देखते हुए लगेज स्टॉक में तेजी की उम्मीद बढ़ी है, जिसके चलते बीएससी पर लगेज स्टॉक 7% तक उछाल दर्ज करते नजर आए। सफारी इंडस्ट्रीज ने बीएससी पर इंट्राडे में 7% का उछाल भरते हुए 1110 रुपए का स्तर छुआ। वहीं वीआईपी इंडस्ट्रीज 5% की बढ़त के साथ 666.70 रुपए तक जाता नजर आया। इससे पहले इस स्टॉक ने 31 मार्च 2022 को 774.50 रुपए का अपना 52-week हाई टच किया था। पिछले एक महीने के दौरान सफारी इंडस्ट्रीज में 25% और वीआईपी इंडस्ट्रीज में 12% की बढ़त देखने को मिली है। उसकी तुलना में बेंचमार्क इंडेक्स में 5% की तेजी देखने को मिली है। एनालिस्ट का मानना है कि डिमांड में तेजी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में सुधार के साथ ट्रैवल सेक्टर में और तेजी देखने को मिलेगी, जिसके चलते ट्रैवल बैग पैक, लेडीज हैंड बैग, स्कूल बैग और दूसरी तरह के बैग के मांग में मजबूती आएगी। वीआईपी इंडस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 2022 की अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि लगेज इंडस्ट्रीज के लिए मीडियम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर मजबूत बने हुए हैं। समाज में बढ़ती संपन्नता और बढ़ती शहरीकरण के चलते लोगों का रुझान ब्रांडेड की तरफ बढ़ रहा है, जो लगेज इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा संकेत है। फिलहाल 3 बजे के आसपास वीआईपी इंडस्ट्रीज का शेयर एनएससी पर 7.95 रुपए यानी 1.25% की बढ़त के साथ 642.15 रुपए पर नजर आ रहा था। वहीं स्टॉक का 52-week हाई 774.60 रुपए है, जबकि इसका 52-week लो 374 रुपए है। कंपनी का मार्केट कैप 9,086 करोड़ रुपए है। वहीं बात करें सफारीज इंडस्ट्रीज की, तो सफारीज इंडस्ट्रीज का शेयर एनएससी पर 59.15 रुपए यानी 5.90% की बढ़त के साथ 1,100.60 रुपए पर नजर आया। मार्केट की इनसाइट खबरों के लिए देखते रहें मनी कंट्रोल हिंदी।